In this secondary maths class, the teacher asks his students to perform role plays that show how the maths they have learnt relates to everyday life. The class are consolidating what they have learnt previously about surface area and the volume of solid shapes. जो ग्रुप्स हैं हमारे पास में कुछ एक इन्होंने अपना लघु नाटिकाओं के द्वारा इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है. ग्रुप वन जो आपके सामने है इन्होंने एक नाटिका. The teacher asks group one to start the lesson by presenting their play to show the relationship between the volume of a cone and a cylinder. आप आएं और अपनी लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे. ठीक है. Imaginatively, the students use a family dispute to illustrate the idea. पूजा बहन ये ऐसे हमेशा लड़ा करते हैं, तो आप ऐसा कुछ बताइए कि इन तीनों को इसमें जो भी है बराबर बराबर मिल जाए. रुकिए भैया, अभी मैं आती हूँ. ये लीजिए भैया, इन तीनों को इनसे बांट के देखिए. देखो भैया, अब ये खाली हो गया. लेकिन बुआ जी, आपने ऐसा क्या किया जो तीनों लोग को बराबर मिल गया? एक ऐसा शंकु बनाओ, शंकु का आधार बेलन के आधार के बराबर हो और शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो. अब कभी भी ऐसे लड़ना नहीं, कोई भी चीज चाहिए तो यही टेक्निक अपना लेना. This teacher has confidence in his students and trusts them, so he stands at the back of the class to watch the role plays. बच्चों ने एक समूह में नाटिका प्रस्तुत की छोटी सी, जिससे हमें The teacher explains that group 1 has shown the volume of a cone to be 1/3 that of a cylinder of the same width. बात समझ में आ गई? ठीक है. जब हम लोग को सर पढ़ा रहे थे आयतन के बारे में शंकु के, उसमें मज़ा भी बहुत आया, तो हमने सोचा इसको छोटा सा नाटक बना के प्रेजेंट करके क्लास में दिखाएंगे. जो हम आपस में भाई बहन लड़ते हैं मैम कम ज़्यादा सामान के लिए, हम लोग मैम आप घर में आपस में बंटवारा में बराबर कर सकते हैं मैम. आयतन निकालना हमको आ गया. अब हमारे पास दूसरा ग्रुप आएगा, वो अपनी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने. ठीक है. दीज रोल प्लेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क इन ग्रुप्स and for the teacher to assess their understanding. मेरे पिताजी को एक डब्बे में पेंट करवाना है, अपने पिताजी की आकृति बनवानी है, क्या बना देंगे जी? ये बात करिए पिताजी से. क्या है बाबू जी? The next group presents a commercial transaction with a painter to illustrate their maths points. तुम बता दो कितना रुपया लगेगा? ये भी मेरे साथ आए. एक वर्ग सेंटीमीटर का लगेगा आपका 2 रुपए. आपका कहना है कि मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर की पुताई का 2 रुपए लगेंगे? अच्छा बेटा, रमेश सुरेश यहाँ जरा. अरे जो पेंटर बेटा लेकर आए हो वो तो बहुत महंगा बता रहा है, कह रहा है 1000 रुपए हम लेंगे. जो राम राज ने एंड का वो किया, ऐसे हम लोगों को कोई. Afterwards, the students describe how this type of activity helps them to feel more confident using maths outside school. और सही पैसे अपना मतलब सही पैसे दे सकते. सर से हम लोग नहीं डरते थे, लेकिन हम लोग के मन में डर रहता था कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ गलत कर देंगे, सारे बच्चे देखेंगे कि इसको सवाल नहीं आता, तो इस वजह से डर लगता था. The teacher encourages another group to present their role play. One of the group enacts the teacher's role and instructs students to calculate the volume of items in their home. आपने देखा कि हमें कहीं भी किताब में ऐसी चीजें नहीं दी होंगी. जो भी कुछ हम लोग देखते हैं समझते हैं हम लोग उसी को करते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं उसका. किताबी ज्ञान तो केवल एग्जामिनेशन के लिए होता है, ये ज्ञान हमारा जीवन भर काम आएगा. और सभी बच्चे जाएं अपने घर पर और इसके आयतन जो भी कुछ मिले, बेलनाकार शंकुआकार और बॉल, उसका निकालें आप आयतन. जो ना समझ में आए हमसे पूछें. ने बात कही थी वो अच्छी कही थी, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमारी डेली लाइफ में भी काम आएगा. The student explains that learning practically is more memorable and relevant to real life than book based learning for exams. तो मैम सिर्फ पेपर ही तक किया पाएगा, बाद में भूल भी सकते हैं. आप क्या रहे हैं? These students are relating their school maths to everyday problems. How could you do this with your classes? बता दिया पर क्लियर किया.